मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। विकास के दावे भले ही किए जाते हैं मगर इनकी पोल खुल ही जाती है। दीवा प्रभाग समिति के हद में आने वाली दीवा खरडी गांव रोड बदहाल पड़ा हुआ है। भारत गेट से दीवा जाने का मुख्य मार्ग खरडी रोड की हालत इतनी ख़राब है कि वाहन तो दूर पैदल चलना इस सड़क पर मुश्किल हो रहा है। करीब आधा दर्जन गांव को जोड़ने वाली ये सड़क इतनी बदहाल है कि सड़कों पर जगह जगह गड्ढों की भरमार है और सड़क से छोटे छोटे पत्थर बाहर निकल रहे हैं, मगर इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। सालों से इस सड़क की हालत इसी तरह बदहाल है। बारिश के मौसम में इस सड़क की हालत तो और ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हादसे भी होने की खबर सामने आती है। ऐसा भी नहीं है कि इस रोड से सिर्फ आम जनता का ही आना जाना होता है। इस रोड से सांसद, विधायक, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, कर्मचारियों का भी आना जाना होता है, मगर उसके बावजूद सड़क का ये हाल है। स्थानीय लोगों ने सांसद और विधायक से भी कई बार इस सड़क की दुरुस्ती के लिए कहा, मगर नतीजा शून्य रहा। कई महीने पहले इस सड़क का प्रशासन ने मरम्मत किया था, मगर उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अभी भी खरडी रोड की हालत गड्ढों और छोटे छोटे पत्थरों से बदहाली का आंसू बहा रहा है। आपको बता दें कि करीब एक साल पहले मनपा कमिश्नर संजीव जायसवाल ने इस खरडी रोड का दौरा किया था और नगर सेवकों ने भी मनपा कमिश्नर से निवेदन देकर शिकायत की थी। दौरे के दौरान संजीव जायसवाल ने इस सड़क को तत्काल मरम्मत करने का आदेश दिया था और मनपा में प्रस्ताव भी पारित किया गया था, मगर इसके बावजूद करीब 1.5 किलोमीटर लंबी इस दीवा खरडी रोड सड़क का मरम्मत आज भी नहीं हुआ है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।